जैसा कि हम लोग जानते हैं लाइट का वेव नेचर तीन फेनोमेना में ऑब्जर्व हो सकता है, जैसा कि एक है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिफ्रैक्शन और तीसरा होता है पोलराइजेशन। ठीक, तो तीनों जो फेनोमेना होते हैं उनको बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस के बारे में हमने वेव और स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, उसके लिए कई सारे डेरिवेशन किए थे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था हमने, है ना। फिर वैसे ही साउंड वेव में भी पढ़ा था इंटरफेरेंस को, तो वही चीज यहां भी आएगा। एग्जैक्टली वही वाली जो थ्योरी है वो यहां पर आती है और इसका यूज हम लोग फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो उस थ्योरी को मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहूंगा। उस थ्योरी से जो भी डेरिवेशन वहां पर हमने किया था वो डेरिवेशन फिर से एक बार हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर दो सोर्स दिए गए हैं, यहां पर हम लोग लाइट का सोर्स मान सकते हैं, वहां पर हम लोग साउंड का सोर्स मानते थे, है ना। तो ये दो लाइट के सोर्स हो गए। यहां पर सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है और इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये हो गया, इसको कहा जाता है सेंट्रल लाइन, है ना। तो इस स्क्रीन के हर पॉइंट पर ये जो है दोनों सोर्स से निकलने वाला वेव जो है इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर करने का मतलब दोनों जाकर कहीं ना कहीं हर पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सेंट्रल लाइन है यहां से वाई हाइट पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब ये मिलेंगे तो वहां पर इनकी जो कंबाइंड इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वो कितनी होगी। तो देख सकते हैं कि यहां से एक वेव जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से ये वेव जाएगा। इस वेव का पाथ लेंथ ये कहलाएगा। उसी तरह से इस सोर्स से भी एक लाइट वेव निकल करके वहां पहुंचेगा, इसका पाथ लेंथ जो है वो ये हो गया, है ना। तो यहां से जो वेव जा रहा है इसका इक्वेशन मैं मान लेता हूं ये है y1 इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस kx, और यहां से जो वेव जा रहा है इसका इक्वेशन लिख लेते हैं y2 इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। हालांकि ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन जो है एक जैसा ही होता है, इसलिए हम लोग वही वाला इक्वेशन ले रहे हैं जो हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में लिया था। तो यहां पर ये दो वेव हैं, दोनों वेव यहां पर जाकर के मिल रहे हैं, यानी इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हम पता करेंगे कि वहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि यहां पर देखेंगे रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कैसा आता है। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो होना चाहिए दोनों कंपोनेंट वेव्स को ऐड करने से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो y इज इक्वल टू आएगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, और जो दूसरा इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है इनको ऐड करना हो तो वेक्टर मेथड या कह सकते हैं कि फेजर डायग्राम वाला मेथड जो है उसको यूज करते हैं। तो उसको यूज करने से ये जो इक्वेशन आता है कुछ इस टाइप का आता है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे a1 और a2 जो है इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर्स, ये हो गया a1, ये हो गया a2, और जो वेक्टर एडिशन का रूल होता है ट्रायंगल मेथड उसको अप्लाई करते हैं, फ्री टेल से फ्री हेड ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। a1 और a2 के बीच का एंगल ये था फाई, जबकि a1 और a के बीच यानी इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा ये डेल्टा आएगा, जो कि इनके बीच का फेज डिफरेंस के इक्वल है, है ना। अगर a1 a2 के बीच का एंगल निकालना हो तो इनका फेज डिफरेंस देखेंगे फाई, और इसके और इसके बीच का एंगल निकालना हो a1 और a के बीच का तो इनका फेज डिफरेंस देखेंगे जो कि डेल्टा आएगा, है ना। तो यहां से हमने तब कैलकुलेट किया था एम्पलीट्यूड के वैल्यू आती है कोसाइन रूल से, यह आता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव का रूट, यहां से एम्पलीट्यूड आ जाता है। और ये डेल्टा की वैल्यू निकालना हो तो ये भी हम लोगों ने वहां पर कैलकुलेट किया था, यह आया था ए टू साइन फाइव
डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। जैसे ये ए टू है तो ये आ जाएगा ए टू साइन फाई, और ये वाला जो है ये आएगा ए टू कॉस फाई। तो ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें टैन डेल्टा निकालेंगे तो ये हाइट ए टू साइन फाई डिवाइडेड बाई ये बेस ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। यहां से डेल्टा निकल जाएगा और एम्पलीट्यूड निकल जाएगा, है ना। तो ये जो एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाई। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट है सी ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो एम्पलीट्यूड A है उसको लिखा जा सकता है C बाई या I बाई C का रूट। ये हो गया एम्पलीट्यूड A की वैल्यू, है ना। उसी तरह से अगर मैं लिखूंगा A1 तो A1 को लिखूंगा अंडर रूट I1 बाई C, और A2 को लिखूंगा अंडर रूट I2 बाई C। I1 क्या है, वो पहले वाले वेव की इंटेंसिटी यहां पर हो गई I1, दूसरे वाले वेव दूसरा वाला जो वेव है इसके कारण से यहां पर इंटेंसिटी हो गई I2, और दोनों को मिलाने से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो हो गया I। तो यहां से A1 A2 की वैल्यू उसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A के जगह पर आ जाएगा यहां पर I बाई C इज इक्वल टू I1 बाई C प्लस I2 बाई C प्लस टू रूट I1 I2 डिवाइडेड बाय C इंटू कॉस फाई। तो देख सकते हैं कि यहां से C को कॉमन लेकर कैंसिल किया जा सकता है, ये हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, है ना। मतलब कि दोनों वेव्स जो हैं उनके कारण से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। यहां देखेंगे कि ये कॉस फाई पर डिपेंडेंट है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जैसे यहां से जो वेव जा रहा है उसका पाथ लेंथ ये हो गया मान लिया x1, यहां से जो वेव जा रहा है इसका पाथ लेंथ हो गया x2। तो x2 माइनस x1 जो है ये पाथ डिफरेंस होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। और हमें पता है कि पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, ठीक। तो डिफरेंट पॉइंट पर इनका पाथ डिफरेंस जो है डिफरेंट आएगा, पाथ डिफरेंस डिफरेंट आएगा तो फेज डिफरेंस भी डिफरेंट आएगा। तो फेज डिफरेंस पर इंटेंसिटी डिपेंड करता है, तो डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट आता है, ठीक। क्योंकि कॉस फाई जो है वो पीरियडिक फंक्शन है तो जो वैल्यू है कॉस फाई की वो पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, मतलब वो बार बार कहीं पर मैक्सिमम होता रहेगा कहीं पर मिनिमम होता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी है ये कहीं पर मैक्सिमम और कहीं पर मिनिमम होगा, है ना। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है तो कहा जाता है कि उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा वहां पर इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि कॉस फाई का वैल्यू जो है प्लस वन होना चाहिए। कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है ये कहीं ना कहीं टू एन पाई के इक्वल होना चाहिए। हमें पता है कि फाई जो है फेज डिफरेंस है, ये जो दो वेव इक्वेशन लिया था हमने इनका फेज डिफरेंस है पाई, और फेज डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं के इंटू डेल्टा एक्स। फाई को के डेल्टा एक्स लिख दिया इज इक्वल टू टू एन पाई।
के जो है उसको लिखा जा सकता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई. तो देखेंगे यहां से 2 पाई कैंसिल, यहां से 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस जो होगा ये आ गया एन लैम्डा, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर ये जो एन है, एन की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से रखा जा सकता है, इंटीजर वैल्यू रखा जा सकता है एन का. तो कहने का मतलब यह है कि जब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, फिर एन का वैल्यू 1 रखेंगे, है ना, एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस तरह से आता रहेगा. अगर यहां पर देखें फिगर में, तो जैसे ये सेंट्रल लाइन है तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए. यहां से जाने वाला वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से जाने वाला वेव भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच वो पॉइंट पड़ रहा है. ठीक, तो चूंकि दोनों का पाथ लेंथ बराबर है, यानी x1 x2 बराबर है, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा. और पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर, यहां पर कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस हो गया 0, तो यहां पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा. ठीक, फिर अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस जो है वो अब 0 से बदलने लगेगा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा चल के जाएगा उससे. तो आगे जाने पर भी एक पॉइंट आएगा यहां पर कहीं, जब पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा, मतलब यहां से जाने वाला वेव उस वेव से लैम्डा डिस्टेंस ज्यादा चल के जाएगा, है ना. अगर ये गया है इतना और ये इतना गया है, है ना, अगर ये x चला है तो ये x प्लस लैम्डा चला होगा, ऐसे समझना है. तो इसका इसका पाथ लेंथ का डिफरेंस हो गया लैम्डा, और पाथ डिफरेंस जैसे ही लैम्डा आएगा तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो यहां भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया. वैसे ही अगर नीचे जाएंगे तो यहां भी पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं लैम्डा आएगा. यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा आने का मतलब ये हुआ कि यहां से जाने वाला वेव जितना चलेगा उससे ये वाला लैम्डा ज्यादा चल के जाएगा. अगर ये एक्स चलेगा तो ये एक्स प्लस लैम्डा चल के आया होगा. ठीक, उसी तरह से अब इसके ऊपर जाएंगे तो यहां भी कहीं एक पॉइंट आएगा आगे जाकर के, जब ये वाला इस वाले वेव से 2 लैम्डा ज्यादा चल के जाएगा, यानी फिर से पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया. तो यहां भी जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी. तो वैसे ही नीचे भी आएगा एक पॉइंट जब पाथ डिफरेंस जो है ये 2 लैम्डा आएगा, है ना. मतलब यहां पर क्या होगा, ये जितना चलेगा उससे 2 लैम्डा ये ज्यादा चल के आएगा, तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया. तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो भी पॉइंट मैं दिखा रहा हूं यहां पर 0 पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, आगे 3 लैम्डा, 4 लैम्डा आते जाएंगे, वैसे ही नीचे भी 0 के बाद लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे आते रहेंगे, है ना. तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं ये सारे पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा, है ना. तो कहते हैं कि वो सारे पॉइंट्स पर जहां पर पाथ डिफरेंस जो है वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. उसी तरह से जिस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वैसे ही एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ये हो जाता है मिनिमम व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम. मिनिमम का मतलब जो है वो 0 भी हो सकता है, अगर I1 I2 इक्वल हुए तो 0 भी हो सकता है ना. यहां पर जैसे हमने बात किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने कहा कि मैक्सिमम हो जाएगा. मैक्सिमम कितना आएगा आप निकाल सकते हैं यहां से,
cos phi का वैल्यू जो प्लस वन रख देंगे यहां पर तो ये हो जाएगा i1 वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू यानी कि रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर. ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगा. जबकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना हो तो इस इक्वेशन में रखेंगे. इस इक्वेशन में cos phi का वैल्यू प्लस वन रखेंगे तो ये a1 वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू मतलब a1 वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर. a निकालना हो तो उधर रूट ले जाएंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा तो ये बच जाएगा a1 वन प्लस ए टू. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 वन प्लस ए टू आएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर आएगा. तो यहां पर वापस आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने कहा कि इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए, है ना. कॉस फाई की जो वैल्यू है ये मिनिमम माइनस वन हो सकता है. ये माइनस वन होने का मतलब ये हुआ कि जो फाई है ये होना चाहिए टू एन माइनस वन पाई यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. तो फाई जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिखा जाता है के डेल्टा एक्स यानी कि 2n माइनस वन इंटू पाई. ये हो गया. k को लिखा जाता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस वन इंटू पाई. तो यहां से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू. यहां पर n की वैल्यू ध्यान रखना है कि जीरो से नहीं लेना है बल्कि वन से लेना है. ऐसा इसलिए नंबरिंग किया गया है कि जैसे यहां पर देखेंगे कि जो बीच वाला पॉइंट है ये सेंट्रल फ्रिंज कहलाता है. सेंट्रल फ्रिंज मतलब जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है इसको फ्रिंज कहते हैं, सेंट्रल फ्रिंज. तो जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो होता है, एन का वैल्यू जीरो रखने पर पाथ डिफरेंस जीरो आता है, इसको कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, है ना, ऐसा कहा जाता है. तो जीरो ऑर्डर का कभी डार्क फ्रिंज नहीं होता या जीरो ऑर्डर का मिनिमा नहीं होता है, ठीक है. जीरो ऑर्डर का सिर्फ मैक्सिमा होता है. उसके बाद जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे मैक्सिमा आते हैं. जबकि मिनिमा जो है वो मिनिमा सीधे फर्स्ट ऑर्डर आता है. जैसे यहां पर आएगा मिनिमा, जैसे यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो है, यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू भी आएगा जीरो और लैम्डा के बीच में. मतलब इस पॉइंट पर यहां से जाने वाला वेव अगर एक्स चलेगा तो यहां से जाने वाला वेव एक्स प्लस लैम्डा बाय टू चल के गया होगा. तो दोनों का पाथ लेंथ का डिफरेंस है वो लैम्डा बाय टू आएगा. तो लैम्डा बाय टू आते ही यहां पर मिनिमा हो जाएगा. इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहते हैं. जीरो ऑर्डर मिनिमा होता नहीं है, है ना. उसी तरह से नीचे भी आएंगे तो यहां भी, जैसे यहां तो पाथ डिफरेंस जीरो है, यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो बीच में पाथ डिफरेंस कहीं ना कहीं लैम्डा बाय टू आएगा बीच में यहां पर. तो यहां पर मिनिमा बनेगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहलाता है. तो मिनिमा जो है फर्स्ट ऑर्डर से शुरू होता है, जीरो ऑर्डर का होता नहीं है. इसीलिए हमने नंबरिंग जो है यहां पर वन से शुरू किया है. जैसे ही यहां पर वन रखेंगे तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाय टू आएगा, टू रखेंगे यहां पर तो थ्री लैम्डा बाय टू आएगा पाथ डिफरेंस, है ना. तो इसीलिए नंबरिंग जो है ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टिव वाले में एन की वैल्यू तो जीरो से शुरू कर रहे हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होता है, जबकि जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता, इसलिए ये एन जीरो से शुरू नहीं किया हमने, ठीक. और यही कारण है कि जो फॉर्मूला है इसमें टू एन माइनस वन लिया है, टू एन प्लस वन नहीं लिया. टू एन प्लस वन भी लिया जा सकता था तब हमें एन का वैल्यू जीरो से शुरू करना पड़ता, लेकिन तब हमारा ऑर्डर गड़बड़ हो जाता. अगर कोई कहता कि हमें सेकेंड ऑर्डर मिनिमा पता करना है तब वहां पर एन की वैल्यू टू नहीं रखते, हमें कुछ और रखना पड़ता है ना. जबकि यहां पर अगर कोई कहेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से कहेगा कि सेकेंड ऑर्डर मिनिमा की वैल्यू निकालो तो उसमें एन की वैल्यू टू रख देंगे. इसलिए ये फॉर्मूला जो है टू एन माइनस वन है न कि टू एन प्लस वन. तो अब ये हमें पता चल गया कि पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए. तो कह सकते हैं सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी
will be minimum when path difference कह सकते हैं या delta x will be equal to lambda by 2. N का value 1 रखते ही lambda by 2 आएगा, 2 रखते ही 3 lambda by 2 आएगा, और यहां पर N का value जब 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 5 lambda by 2, फिर 7 lambda by 2. इस तरह से lambda by 2 का odd integral multiple है ना. तो ऐसे केस में जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम होता है. तो जैसे हमने कहा कि 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 आएगा, वैसे ही लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में यहां पर जो है यहां पर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 आया होगा. यहां पर मिनिमा बनेगा बीच में, तो यहां पर मैक्सिमा था, बीच में मिनिमा हो गया, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा आएगा. यहां पर जैसे 2 लैम्डा है और यहां पर ये 3 लैम्डा होगा, तो 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में एक पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 भी आएगा, यहां पर मिनिमा होगा. ऊपर भी जाएंगे तो जैसे 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 आया मिनिमा वाला, वैसे ही लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा 3 लैम्डा बाय 2, फिर 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में यहां भी पाथ डिफरेंस आएगा 5 लैम्डा बाय 2. तो कह सकते हैं कि अल्टरनेट जो है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं. ब्राइट मतलब कि मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा भी है ना. तो इस तरह से अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं. तो आप देखेंगे कि यहां से जो एनर्जी जा रही थी वो तो हर तरफ स्प्रेड हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम हो गया, कहीं मिनिमम हो गया. इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी यहां से गई थी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना. रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ मतलब कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया एनर्जी. इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस. तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिस जिस पॉइंट पर, वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा. मिनिमम होगा तो कितना होगा है ना. अगर मिनिमम इंटेंसिटी का बात करें तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यानी आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू. तो उसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर. ये मिनिमम इंटेंसिटी आ गया. उसी तरह से अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना हो, यहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा इसी वजह से इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा. तो मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां पर कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू, यानी ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर. ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो है स्क्वायर के ऊपर रूट लगेगा तो गायब हो जाएगा, यानी बचेगा ये ए वन माइनस ए टू. ठीक, हम यहां पर मॉड ले लेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता. तो जो भी है बड़ा ए वन हो या ए टू हो, हमें डिफरेंस निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है. ठीक, अब जो है मैंने कहा कि इंटरफेरेंस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना. यहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम हो गया. तो कहा जाता है कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए जो सोर्सेज हैं ये कोहरेंट होना चाहिए. तो पहली बात कि सस्टेनेबल का क्या मतलब है और कोहरेंट का क्या मतलब है ना. सस्टेनेबल का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम बन रहा है, मतलब इंटेंसिटी जहां पर ज्यादा है वहां पर हमेशा ज्यादा बना रहे, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ में बदल जाए, जहां मैक्सिमम है वहां मिनिमम हो जाए, जहां मिनिमम है वहां टाइम से बदलेगा तो फिर हमें पैटर्न ये दिखेगा नहीं है ना. तो ये अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम वाला जो पैटर्न है ये दिखता रहे, इसको हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल इंटरफेरेंस. सस्टेनेबल जस्ट मतलब कि टिकाऊ इंटरफेरेंस, जहां पर मैक्सिमा है वहां पर मैक्सिमा ही हमेशा दिखे, जहां मिनिमा है वहां पर मिनिमा ही हमेशा दिखे. तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल इंटरफेरेंस. सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए मैंने कहा कि जो सोर्सेज हैं वो कोहरेंट होना चाहिए. कोहरेंट का मतलब जो है हमने साउंड वेव में भी पढ़ा था कि कोहरेंट का मतलब होता है कि
इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तभी जो है इंटेंसिटी हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, है ना. देख सकते हैं कैसे. अगर इनका फेज डिफरेंस, जैसे हमने कहा कि एक इक्वेशन, इस वेव का इक्वेशन हमने ये लिया और दूसरे वाले का इक्वेशन ये लिया, ठीक. बाय चांस ऐसा हो जाता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या आता. अभी तो फेज डिफरेंस आ रहा है फाई, है ना. मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फाई रह जाएगा, लेकिन जैसे ही ओमेगा वन ओमेगा टी हो जाता, टू हो जाता है, ओमेगा दोनों बराबर नहीं होते, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल नहीं होता, तो फिर फेज डिफरेंस क्या आता, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी प्लस फाई, ऐसा कुछ आता. भले के एक्स कैंसिल हो जाता, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती तो फेज डिफरेंस आता, ऐसा आता. फेज डिफरेंस ऐसा आने का मतलब क्या हुआ, यहां जो हमने फाई लिख रखा है तब ये वाली वैल्यू रखते और ये देखते कि टाइम डिपेंडेंट है. टाइम डिपेंडेंट होने का मतलब अगर फाई टाइम डिपेंडेंट होगा तो इंटेंसिटी फिर टाइम डिपेंडेंट होगा. इंटेंसिटी टाइम डिपेंडेंट होने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो वैरी कर रहा होगा टाइम के साथ में. टाइम के साथ वैरी करने का मतलब क्या है, कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम भी हो जाएगा, कभी बीच में भी होगा, तो इंटेंसिटी वैरी करता रहेगा, तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखेगा नहीं, है ना. तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस कराना है, मतलब क्लियर पैटर्न दिखता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सोर्सेज कोहरेंट होने चाहिए. कोहरेंट होने का मतलब इनका फेज डिफरेंस जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. वो तब रहेगा जब इन दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर हो, है ना. और जो लाइट दोनों यूज कर रहे हैं वो लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, मतलब लैम्डा भी एक ही होना चाहिए. लैम्डा एक ही नहीं होगा तो ये के भी दोनों बराबर नहीं रहेगा, है ना. तो इसलिए कहते हैं कि फॉर सस्टेनेबल इंटरफेरेंस सोर्सेज must be coherent, है ना. coherent का मतलब ये होगा कि it means phase difference between the two sources should be constant. constant का मतलब time के relative. time change हो रहा हो लेकिन जो है phase difference जो है वो change नहीं हो रहा हो, तब कहेंगे कि phase difference जो है वो constant है. phase difference constant होने के लिए for that the two sources must have equal frequency and light emitted should be monochromatic. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि एक ही वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए, है ना. अगर 500 एंगस्ट्रम का वो यूज कर रहा है तो ये भी 500 एंगस्ट्रम का ही करना चाहिए. मतलब एक रेड कलर का यूज कर रहा है तो दूसरा भी रेड कलर का करना चाहिए. अगर एक ब्लू कलर का लाइट यूज कर रहा है तो दूसरा भी ब्लू कलर का ही करना चाहिए, तभी ऐसा पैटर्न हमें दिखेगा, ठीक है. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो ये आया था. अब अगर ऐसा मान लिया जाए कि I1 और I2 अगर ये दोनों बराबर है, ना I1 I2 दोनों जो है बराबर है, मान लिया I0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा I, उसकी वैल्यू क्या आएगी. अगर इसको मैं I1 I0 रख दूंगा, इसको भी I0, तो ये हो जाएगा 2I0. यहां भी आएगा I नॉट इंटू आई नॉट का स्क्वायर इंटू रूट, मतलब टू आई नॉट ये भी आएगा, तो टू आई नॉट कॉमन लेंगे, वन प्लस
cos phi ये होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos phi को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, यानी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2, ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो cos स्क्वायर phi बाई 2 की वैल्यू हम लोग प्लस 1 रखेंगे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और ये 4I0 आ जाएगा, ठीक। और जब मिनिमम निकालना होगा तो इसी में से निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर phi बाई 2 की वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, ठीक। तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो रख देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक।